सो फर्स्ट इज क भाग, एक दिन गुरु जी डैश की छाया में आराम कर रहे थे। हमारे पास टू ऑप्शंस हैं, त्रिपाल और वृक्ष। मेंटेन डिसिप्लिन, नो डोंट डू इट। नाउ लिसन 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 टू मी, कोई भी स्टूडेंट लिसन, कोई भी स्टूडेंट ऐसे कलेक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं करेगा। फाइन अक्षर जी, इज इट क्लियर? यस ओके, नाउ टेल मी इट्स आंसर। अक्षर टेल मी इट्स आंसर, एक दिन गुरु जी डैश की छाया में आराम कर रहे थे। वृक्ष, यस, राइट डाउन इट्स आंसर। I'm going to present screen. You will note down its answer. Vriksh. Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, so, ma'am. Third ka answer hai hamare paas ka ka. Just wait. Anjali. Yes. Wait for a minute. Yes, K hai. Vriksh. Done? Yes. Note down yes, this word, Vriksh. Okay. Next, K. Vardhraj ke sabhi sahpathi padh likhkar dash ban gaye. We have two options. Tanjot, please wait. अध्यापक और विद्वान। वासुदेव, विद्वान। वासुदेव, यस मैम, टेल मी इट्स आंसर। विद्वान, विद्वान, यस, राइट डाउन विद्वान इन सेकंड फिल अप। विद्वान, जस्ट वेट। विद्वान ग है। वरदराज ने रस्सी में बंधे डैश को कुएं में डाला। वी हैव टू ऑप्शंस, कलश और डोल। यस रिष्टि, कलश, कलश, कलश को उसने कुएं में डाला। नेक्स्ट घ, डोल, जो डोलू नहीं होता उसको डोल बोला इन्होंने, जिसकी वो डंडी सी होती है, ऐसे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, इस फॉर्म में होता है वो, और इसके ऊपर ऐसे डंडी सी होती है पकड़ने के लिए, ये डोलू होता है जिसको डोल बोला गया है। राइट, क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट घ, मुझे एक डैश और दीजिए, अब मैं परिश्रम करूंगा। ऑप्शंस, थैला और अवसर। वासुदेव, यस मैम, टेल मी इट्स आंसर। अवसर, क्या दे दीजिए? अवसर, अवसर क्या होता है? अवसर मींस, यस रिष्टि, मौका और अपॉर्चुनिटी। अवसर दे दीजिए, अब मैं परिश्रम करूंगा। आप इसके आंसर साथ ही साथ ही नोट करोगे। फर्स्ट का है वृक्ष, सेकंड का है विद्वान, थर्ड का है कलश, फोर्थ का है अवसर। डन? यस मैम। एवरीबॉडी हैज डन? यस मैम। ओके, यस मैम। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। सही कथनों के सामने टिक का तथा गलत कथनों के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। क है, प्लीज वेट। क है, गुरु जी ने वरदराज को आश्रम के नियम समझाए। ट्रू और फॉल्स? नितिन कुमार, नितिन, नो, अंजलि, यस मैम, इज इट ट्रू?
यस मैम। यस इट इज ट्रू। आप इसको टिक का निशान लगाओगे राइट। नेक्स्ट ख, वरदराज को सभी कार्य करने का पूरा अभ्यास था। सुदक्ष 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 विल टेल सुदक्ष। यस इट इज फॉल्स, क्योंकि वरदराज को कोई भी कार्य करने की प्रैक्टिस नहीं थी। नेक्स्ट ग, स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन। ग पार्ट, वरदराज को देखकर, जस्ट वेट, हुज माइक्रोफोन इज ऑन? कुणाल आर यू नॉट लिसनिंग? कुणाल स्विच इट ऑफ। कुणाल आर यू लिसनिंग? आई एम गोइंग टू रिमूव यू कुणाल, स्विच इट ऑफ। नेक्स्ट ग पार्ट, स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम। ओके ग पार्ट, वरदराज को देखकर गुरु जी को बहुत दुख होता था। प्रियांशु प्रियांशु टेल मी इट्स आंसर। यस इट इज ट्रू, टिक का ऑप्शन लगाओगे। यस नेक्स्ट घ, वरदराज की पढ़ने में बहुत रुचि थी। यतिन 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 विल टेल मी इट्स आंसर। वरदराज को स्टूडेंट्स, बाकी के स्टूडेंट्स ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेंगे। मैंने एक स्टूडेंट का नेम अनाउंस किया, वही आंसर देगा। यतिन विल टेल इट्स आंसर। वरदराज की पढ़ने में बहुत रुचि थी। रॉन्ग है, यस इट इज रॉन्ग। फाइन, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट, वरदराज बड़ा होकर महान विद्वान बन गया। आर्यन मैम, आर्यन आर्यन यस मैम, टेल मी इट्स आंसर। टिक के, वरदराज बड़ा होकर विद्वान बन गया। नेक्स्ट च पार्ट, वरदराज ने कम समय में ही विद्या प्राप्त कर ली। बाद में उसने स्टडी स्टार्ट कर दी थी, तो उसने कम समय में ही विद्या प्राप्त कर ली थी। सो इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। डन? यस मैम। ओनली ख एंड घ पार्ट्स आर रॉन्ग। सिर्फ ख और घ पार्ट रॉन्ग है, बाकी के सभी पार्ट करेक्ट हैं। डन? डन? यस मैम। प्लीज वेट। यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ, नेक्स्ट इज फिफ्थ। करेक्ट द नंबर इन योर बुक्स। फोर्थ की प्लेस पे फिफ्थ पॉइंट है। पॉइंट फिफ्थ इज क, क भाग है फिफ्थ में। जिस स्थान पर गांव को रखा जाता है उसे कहते हैं अ गुड़शाला और बी ब गौशाला। क्या बोलते हैं उसको? जसलीन कौर, जसलीन टेल मी इट्स आंसर। क का
जहाँ पर गाँव को रखा जाता है, गाय होती है जहाँ पे, गौशाला। ब इज करेक्ट, ब इज करेक्ट आंसर। स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन्स, आई विल अनाउंस नेम ऑफ स्टूडेंट ओनली, ही और शी विल टेल द आंसर। जिसका नेम अनाउंस होगा वही आंसर देगा। नेक्स्ट ख, ख आश्रम में विद्यार्थी उठ जाते थे अ सूरज निकलने से पहले, ब सूरज निकलने के बाद। आयुष कुमार पाल, आयुष ओके, गरिमा विल टेल इट्स आंसर। टेल मी इट्स आंसर। आश्रम में विद्यार्थी उठ जाते थे सूरज निकलने से पहले या सूरज निकलने के बाद। यस, ख का अ पार्ट करेक्ट है, सूरज निकलने से पहले, टिक अ पार्ट। नेक्स्ट इज ग, गुरु जी की बात सुनकर वरदराज को अ बहुत खुशी हुई, ब बहुत शर्म आई। अनन्या, अनन्या विल टेल। यस मैम। गुरु जी की बात सुनकर वरदराज को बहुत खुशी हुई या बहुत शर्म आई। जब पहले गुरु जी वरदराज से बहुत परेशान थे तो गुरु जी ने वरदराज को बहुत डांटा, तो ये बात सुनकर वरदराज को बहुत खुशी हुई थी या बहुत शर्म आई थी। शर्म आई थी। यस, ब इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन, नेक्स्ट घ पार्ट। दोबारा आश्रम में जाने के बाद वरदराज दिन रात क्या करने लगा, अ अधिक सोने लगा, ब कड़ी मेहनत करने लगा। वंशगिल, टेल मी इट्स आंसर। कड़ी मेहनत करने लगा। यस, ब कड़ी मेहनत करने लगा। प्लीज वेट। नेक्स्ट इज भाषा बोध। मूव टू पेज नंबर 74 पेज पे मूव करिए। Have you opened page number 74? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. No, ma'am. Question number 1 is, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये मेक सेंटेंसेस आप अपने आप करोगे। चार वर्ड गिवन है, गुरुकुल, अनुरोध, ज्ञानवान और निश्चय। फाइन, टिक दिस, यस टिक दिस क्वेश्चन एंड राइट डाउन होमवर्क। HW जैसे हम लिखते हैं कि ये होमवर्क के लिए, वैसे आप नोट करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। क, जहां गाँव को रखा जाता है, जहाँ गायें होती हैं उसको क्या बोलते हैं, अभी हमने वर्ड किया था। रिदिमा नो, रिदिमा विल टेल। यस मैम। टेल मी इट्स आंसर। जहाँ गायें होती हैं उसको क्या बोलती हैं? गौशाला। नोबडी विल टेल। गौशाला, यस राइट डाउन इट्स आंसर, गौशाला। नेक्स्ट ख, ख जो साथ पढ़ता हो,
दक्ष रोल नंबर 33, टेल मी इट्स आंसर। जो साथ पढ़ता हो। दक्ष सहपाठी, सहपाठी, सह साथ पाठी पढ़ने वाला, सहपाठी। डन। नेक्स्ट, जो जो नियमों पर चलना पसंद करता हो, जो नियमों पर, जो रूल्स के साथ चलता है, जो नियमों पर चलना पसंद करता हो उसको क्या बोलते हैं? संध्या राव, संध्या राव, टेल मी इट्स आंसर। जो नियमों के साथ चलना पसंद करता हो। मैम, माय टर्न। यस, यस संध्या, अनुशासित। यस, नेक्स्ट सृष्टि। अनुशासित प्रिय, अनुशासन प्रिय भी बोल सकते हो, अनुशासित भी बोल सकते हो। नेक्स्ट प्रियांशु। अनुशासन प्रिय, सो राइट डाउन इट्स आंसर, अनुशासन प्रिय, अनु अनु, इसके स्पेलिंग आप अच्छे से नोट डाउन करोगे, अनुशासन प्रिय। नेक्स्ट घ, घ, जो भगवान में विश्वास रखता हो, जो, यस, जस्ट वेट, काव्यांश विल टेल, आस्तिक, 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 यस, धनिका, टेल मी इट्स आंसर, यस मैम, जो भगवान में विश्वास रखता हो, आस्तिक, आस्तिक, सौरव, टेल मी इट्स आंसर, आस्तिक, आस्तिक, राइट डाउन इट्स स्पेलिंग, आस्तिक, आस्तिक, आधा स, डन। नेक्स्ट एड पार्ट, जो किए उपकार को मानता हो, अभिनव सयान, अभिनव, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, जो किए उपकार को मानता हो, हमने एक वर्ड भी पढ़ा था यहाँ पर, मैं आपको रिपीट करती हूँ, वो वर्ड क्या था कि वरदराज के पिता ने गुरु जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और अपने घर वापस चले गए। तो इसमें कौन सा वर्ड आपको लग रहा है जो इसको प्रेजेंट कर रहा है, जो किए उपकार को मानता हो? I'm रिपीटिंग द लाइन अगेन, वरदराज के पिता ने गुरु जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और अपने घर वापस चले गए। अभिनव सयान, अभिनव, यस मैम, टेल मी इट्स आंसर, हैव यू एनी आइडिया? सुदक्ष, तंजोत, तंजोत, टेल मी इट्स आंसर, यस प्रियांशु, टेल मी इट्स आंसर, नम्रता पूर्वक, नो, प्रियांशु, कृतज्ञ, यस कृतज्ञ, कृतज्ञ, राइट डाउन इट्स आंसर। Are you done?
नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन. थर्ड है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के लिंग बदल कर फिर से लिखिए. आपने उनके जेंडर चेंज करके उनको फिर से लिखना. जैसे क है, आश्रम के सभी कार्य छात्र स्वयं करते हैं. तो छात्र को इन्होंने कलर कलर किया हुआ है, तो आपने इस वर्ड को चेंज करके बाकी का एज इट इज लिखोगे. तो आप लिखोगे आश्रम के सभी कार्य छात्र का लिंग छात्राएं स्वयं करती हैं. तो बाकी पीछे का भी आप चेक करोगे, अगर करते हैं आएगा छात्र के साथ तो छात्राएं के साथ वो थोड़ा चेंज हो जाएगा. राइट राइट यस मैम. ओके नोट डाउन. थर्ड का क, क इज आश्रम के, राइट डाउन, आश्रम के, आश्रम के सभी कार्य, सभी कार्य, साथ के साथ आप नोट कर सकते हो, सभी कार्य छात्राएं स्वयं करती हैं, करती हैं, करती हैं. क्लियर? यस मैम. ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट ख. ख है, वह अपने भाई के साथ काम करने लगा. तो इसका क्या आएगा? अक्षज, अक्षज. यस मैम. टेल मी इट्स आंसर. जस्ट वेट. ओनली अक्षज विल टेल. ओनली अक्षज विल टेल. अक्षज. यस. काम करने लगा. गुड. वह अपनी बहन के साथ वह अपनी बहन के साथ. तो जो आपने लिंग चेंज किया है उसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हो. बहन के साथ काम करने लगा. डन. यस मैम. यस मैम. आई एम गोइंग टू रब फर्स्ट पार्ट. क को मैं रब कर रही हूं. नोट डाउन ख पार्ट. नेक्स्ट इट्स नेक्स्ट पार्ट ग. आश्रम में गाय को रखने का स्थान था. धनिका. धनिका. टेल मी इट्स आंसर. आश्रम में यस. आश्रम में बैल को रखने का स्थान था. आश्रम में बैल, गाय का बैल, बैल को रखने का, को रखने का स्थान था. स्थान था. डन. ओके ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट घ. वरदराज के पिता वृद्ध थे. वृद्ध मीन्स बूढ़े, वृद्ध थे. तो इसका आंसर पिता का यस. वरदराज की माता यस वृद्ध थी. माता वृद्ध थी. ओके. वरदराज
की माता वृद्ध थी, वृद्ध थी, वृद्ध थी। डन मैम। ओके नेक्स्ट ढ पाठ। कक्षा में लड़की पुस्तक पढ़ रही है। जसलीन जसलीन टेल मी इट्स आंसर। यस यस तानिया रिपीट दिस आंसर। बोला तानिया तानिया यस रिपीट इट। कक्षा में यस लड़के बच्चे लड़की है, लड़की का लिंग क्या होगा, लड़का लड़की नहीं होता तो लड़की का लड़का, लड़का का लड़की होता तो लड़की का भी फिर लड़का होगा। कक्षा में लड़का पुस्तक पढ़ रही है तो उसको हमने बनाना पढ़ रहा है। राइट डाउन इट्स आंसर। कक्षा में गुड कक्षा ने काव्यंश ने उतारा पहले वेरी गुड कक्षा में गुड कक्षा में लड़का गुड यतिन कक्षा में लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके रब कर दूं फिर अगर नोट डाउन कर चुके हो आप। यस मैम। ओके ओके यस मैम। ओके जी यस मैम। नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों को दिए गए रंगीन शब्दों के वचन लिखिए। वाक्यों में जो रंगीन शब्द दिए हैं उनके वचन लिखने हैं। खाली हमने पूरा सेंटेंस नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पूरी लाइन गिवन नहीं है, हमें छोटी सी लाइन गिवन है तो उनमें हमने वो जो शब्द रंगीन है कलर्ड हैं जस्ट उनको ही वचन में लिखना है। क्लियर? अगर वचन दिया हुआ है तो उसका एक वचन बनाना है, अगर एक वचन दिया तो उसका बहुवचन बनाएंगे। राइट अक्षय जनन्या अंजलि मानसी गरिमा जयराज कंश रिधिमा संध्या सृष्टि सोनू तंजो। ठीक है जी नेक्स्ट फोर्थ। गांव को दाना पानी देना छात्रों का काम था तो अभी हमने करना है गांव का गाय बहुवचन का एक वचन करेंगे गाय कॉमा छात्रों का छात्र ऐसे लिखोगे आप वो फिलहाल ऐसे दी हुई है आपको। क्लियर? नेक्स्ट जंगल में लकड़ी काट कर लाना होगा जंगल से तो लकड़ी का लकड़ियां यस लकड़ियां। नेक्स्ट ग पाठ। गुरु जी ने उसे सोने की हानियां बताई। हानिया का हानि यस हानिया का हानि। नेक्स्ट घ आज आकाश में अनेक बादल छाए हुए हैं। बादल का वचन बादल ही रहेगा क्योंकि हम बादलों
बादलों छाए हुए, ये इसमें सेंस नहीं बनती, बादलें भी नहीं आता, तो बादल का बादल ही रहेगा, बादल। नेक्स्ट ड पार्ट, हमारे देश में अनेक नदियां बहती हैं। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। नाउ स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन्स। नेक्स्ट, हैव यू डन दिस पार्ट? यस मैम। स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन। हुज माइक्रोफोन इज ऑन? Switch it off. Yes. Have you done fourth question? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. I'm going to rub it. Okay. Whose microphone is on? Taranjot. Tanjot. Next to fifth is, column given है A और B, तो हमने column को उसके विलोम शब्दों के साथ opposite word या विपरीतार्थक शब्दों के साथ मिलान करना है। जैसे first विद्वान का दिया हुआ है मूर्ख, तो परिश्रम का क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन दीज वर्ड्स, पहले ए कॉलम में है विद्वान, परिश्रमी, व्यर्थ, हानि और दुर्जन। दूसरे बी कॉलम में है लाभ, मूर्ख, सज्जन, उपयोगी और आलसी। तो विद्वान को इन्होंने मैच किया है, विद्वान का विपरीतार्थक शब्द है मूर्ख। तो परिश्रमी का क्या होगा, जो मेहनत करता है? तो टू को आप किसके साथ मैच करोगे? टू को ड के साथ, आलसी, आलसी के साथ मैच करो परिश्रम को। एक तो बहुत मेहनत करता है, एक आलसी होता है जो काम करने का मन ही नहीं करता उसका। थर्ड को मैच करोगे आप, थर्ड है व्यर्थ। व्यर्थ मींस वेस्ट, इसका उपयोगी, यूजफुल, उपयोगी, यस, घ के साथ मैच करो। आपने ऐसे नहीं लिखना, आप क्रॉस की फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि बुक में आपके पास गिवन है सारा कुछ। हानि, हानि का लाभ, यस, का लाभ। दुर्जन का सज्जन, यस, दुर्जन बुरे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, सज्जन अच्छे व्यक्ति के लिए। दुर्जन का सज्जन, डन? यस मैम। एवरीबॉडी हैज डन? ओके, नाउ टिक द सिक्स, ओके, लेसन, ओके, लेसन, टिक द सिक्स क्वेश्चन एंड नोट इट डाउन एज अ होमवर्क। डू सिक्स क्वेश्चन एज अ होमवर्क। इसमें क्या है, संस्कृति के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में बदल कर किया जाता है उन्हें तद्भव कहते हैं, जिनका नहीं बदला जाता उनको तत्सम। हम कर चुके हैं इसको, आप होमवर्क की फॉर्म में अपने आप करोगे, क्योंकि तत्सम तद्भव शब्द हम कर चुके हैं। ट्राई टू डू इट, यस, आपने सिक्स क्वेश्चन करना है एज अ होमवर्क और भाषा बोध का फर्स्ट क्वेश्चन करना है एज अ होमवर्क। हैव यू डन? क्लियर, क्लियर हुआ सभी को? और आप जो भी हमने क्लास में, ओके लिसन, जो भी क्लास में हमने वर्क किया है इसको पीडीएफ की फॉर्म में सेंड करोगे जिनका हो चुका है। लेकिन अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन रहता है, इनको भी कंप्लीट करके फिर मुझे पीडीएफ में सेंड करना, राइट? ओके, और मैथ्स की मैंने डिस्कस करनी थी आपके साथ, फ्रैक्शन की लेसन, फ्रैक्शन का जो प्रोजेक्ट था या एक्टिविटी थी वो हमने डिस्कस करनी थी। तो अभी पहले आप पिछले अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट रखो, वो कंप्लीट हो जाते हैं तो वो स्टूडेंट फ्रैक्शन का स्टार्ट करेगा। फ्रैक्शन के लिए आप नेट से सर्च कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो अपने आइडियाज मेरे से शेयर करके कि मैम क्या ये ठीक रहेगा, राइट? क्लियर? सो कंप्लीट योर पेंडिंग वर्क एंड प्रोजेक्ट्स।
Fine, now we will leave this meet and note down homework from group. Okay, bye, ma'am. Have a nice day, ma'am. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Okay, bye. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Okay, bye. Bye, ma'am.